भारत में पद्मावती कौन थी? बात उस समय की है जब पांचाल नरेश अपनी दिव्य जन्मी द्रौपदी का स्वयंवर कर रहे थे। उस समय स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि जो भी सूरवीर नीचे रखे हुए जल में घूमते हुए मत्स्य की आंख का भेदन करेगा उससे ही द्रौपदी का स्वयंवर होगा। अतः इस स्वयंवर में भारत वर्ष के सभी राजा महाराजाओं ने भाग लिया, लेकिन किसी ने भी महाराज द्रौपदी के प्रण को पूर्ण नहीं किया। तब अंगराज करने रखे हुए धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो सभी उपस्थित राजा अचंभित रह गए, लेकिन उसी समय द्रुपद नंदिनी दिव्य जन्मी द्रौपदी ने यूं कहकर अंगराज कर्ण को लक्ष्य भेदन से मना कर दिया कि वह किसी सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करना चाहती हैं। तब द्रौपदी के इन कट वचनों से अपमानित होकर अंगराज कर्ण अपने राज्य को प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार जब अंगराज कर्ण एकाग्र मनसा होकर दुखी हृदय से अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर रहे थे, उसी समय एकांत जंगल में एक अद्भुत घटना घटित होती है कि उन्होंने देखा कि कुछ उपद्रवी आतंकवादी दो युवतियों को घेरकर उनकी इज्जत से खेलना चाह रहे थे। दरअसल उनमें जो दो युवतियां थीं, उनमें से एक राजा चित्रवत की पुत्री अंशावरी व दूसरी उनकी दासी धूमसेन की पुत्री पद्मावती थी। जब दुराचारियों ने राजकुमारी अंशावरी को घेरकर उनकी इज्जत से खेलना चाहा, तो पद्मावती ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपनी राजकुमारी अंशावरी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और दुराचारियों से लोहा लेती है। उसी समय महाराज दानवीर कर्ण का आगमन होता है। इस घटना को देखकर कर्ण ने अपने बाणों के द्वारा सभी दुराचारियों को मार गिराया, परंतु उसी समय पीछे से किसी एक दुराचारी ने अंगराज कर्ण के मस्तिष्क पर वार किया, जिससे अंगराज कर्ण मूर्छित हो जाते हैं। उस समय राजकुमारी अंशावरी भी कुछ मूर्छित हो जाती हैं। तब राजकुमारी की दासी पद्मावती अंगराज कर्ण व राजकुमारी अंशावरी को रथ में बिठाकर राजभवन लाती हैं और राजकुमारी अंशावरी को राजभवन पहुंचाती हैं। तत्पश्चात अंगराज कर्ण को अपने पिता के घर ले आती हैं। घर लाकर पद्मावती के पिता ने वैद्य को बुलवाया और वैद्य के उपचार से अंगराज कर्ण की मूर्छा दूर हो जाती है। जब अंगराज कर्ण की मूर्छा भंग हुई तो देखा उनके पास बैठी हुई पद्मावती उनकी सेवा कर रही हैं। कर्ण ने पद्मावती को अपनी सेवा करते हुए देखा तो प्रेम भरी नजरों से पद्मावती को देखने लगे और कहने लगे, हे देवी, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? तब पद्मावती ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यहाँ से अंगराज कर्ण और पद्मावती के मन में आपसी प्रेम के अंकुर प्रस्फुटित हो जाते हैं। उसी समय महाराज चित्रवत का सैनिक संदेश लेकर के अंगराज कर्ण के पास आता है और निवेदन करता है। अंगराज कर्ण को महाराज ने अपने राज्य भवन आने को निमंत्रण भेजा है। तब अंगराज कर्ण सैनिक के साथ महाराज चित्रवत के राजभवन आते हैं और राजभवन में राजकुमारी अंशावरी महाराज अंगराज कर्ण का स्वागत सत्कार अभिनंदन करती हैं। इस प्रकार जब कर्ण महाराज चित्रवत के राजभवन पहुँचे तो वहाँ पर राजकुमारी अंशावरी ने उनका स्वागत किया और राजकुमारी के पिता महाराज चित्रवत हाथ जोड़कर कर्ण का स्वागत सत्कार अभिनंदन करने के साथ साथ उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और कहा कि आपने आज मेरे ऊपर मेरी पुत्री राजकुमारी अंशावरी के
प्राण बचाकर बहुत बड़ी कृपा की है। मेरी इच्छा है कि आप कुछ दिन रुककर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। तब अंगराज कर्ण ने राजा चित्रवत का आतिथ्य स्वीकार करने की स्वीकृति प्रदान की और अंगराज कर्ण कुछ समय राजा चित्रवत के राजभवन में निवास करने लगे। उसी दौरान राजकुमारी अंसावरी व कर्ण के बीच में प्रेम का रिश्ता मजबूत होता चला गया। राजकुमारी अंसावरी ने अपने मन की बात अपनी सखी व दासी पद्मावती को बताती हैं। तब पद्मावती कर्ण के प्रति अपने प्रेम को मन में छिपा लेती हैं। इस प्रकार पद्मावती मन ही मन बहुत उदास रहने लगी। जब कुछ समय व्यतीत हुआ तब अंगराज कर्ण ने राजकुमारी अंसावरी से कहा कि अब हमें तुम्हारे हाथ मांगने के लिए तुम्हारे पिताजी से बात करनी चाहिए। तब राजकुमारी अंसावरी ने भी स्वीकृति प्रदान की। तब अंगराज कर्ण राजकुमारी अंसावरी के पिता श्री महाराज चित्रवत से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि महाराज, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तब राजा चित्रवत ने कहा कि हे अंगराज कर्ण, आपने हमारे ऊपर इतना उपकार किया है कि हम अपने प्राण भी तुम्हें सहर्ष दे सकते हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब अंगराज कर्ण ने कहा कि हे राजन, मैं आपके प्राण नहीं मांगता हूँ, मैं आपसे आपकी पुत्री राजकुमारी अंसावरी का हाथ मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं और अंसावरी एक दूसरे को प्रेम करते हैं और इस प्रेम को परिणय सूत्र में बांधना चाहते हैं। यह सुनते ही राजा चित्रवत क्रोधित हो गए और कहने लगे, हे अंगराज कर्ण, मैं तुम्हारे पराक्रम और वीरता का कायर हूँ, उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमारे बराबर के हो गए हो, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और मेरी कन्या का विवाह किसी क्षत्रिय के साथ ही होगा और तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम तो सूत पुत्र हो, इसलिए मेरी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कदापि संभव नहीं है। अंगराज कर्ण ने कहा कि भगवान, तुम्हारी पुत्री अंसावरी भी तो मुझसे प्रेम करती है और मेरे साथ विवाह करना चाहती है। तब राजा चित्रवत ने कहा कि शायद मेरी पुत्री को तुम्हारे सूत पुत्र होने का ज्ञान नहीं होगा। जब कर्ण ने अंसावरी से जाकर पूछा तो अंसावरी ने भी अपनी अस्वीकृति प्रदान की और कहा कि मैं अपने पिता की इच्छा के विपरीत नहीं जा सकती हूँ, अतः अंगराज कर्ण, तुम्हारा और मेरा यह विवाह कदापि संभव नहीं है। तब अंगराज कर्ण ने कहा कि हे अंसावरी, अगर ऐसा ही था तो तुमने मेरे साथ प्रेम क्यों किया? काफी तर्क वितर्क हुए। अंत में अंगराज कर्ण दुखी होकर वहाँ से विदा होकर अपने राज्य को लौट आते हैं। यह दूसरा अवसर था जब अंगराज कर्ण का सूत पुत्र होने के कारण किसी राजकुमारी के साथ विवाह नहीं हुआ। इस प्रकार जब कुछ समय व्यतीत हुआ, कर्ण मन ही मन अपने इस अपमान की ग्लानि में जलता रहा। कुछ समय बाद राजा चित्रवत ने अपनी पुत्री राजकुमारी अंसावरी का स्वयंवर किया। उसके स्वयंवर में दूर दूर के राजाओं को आमंत्रित किया गया। जब राजकुमारी अंसावरी का स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था, तब खंड खंड के राजा स्वयंवर में आए हुए थे। उसी समय भगवान सूर्यदेव के कहने से अंगराज कर्ण भी धनुष और बाण लेकर राजकुमारी अंसावरी के स्वयंवर में पहुँचते हैं। कर्ण को स्वयंवर में आया हुआ देखकर राजकुमारी अंसावरी के पिता महाराज चित्रवत क्रोधित हुए और कर्ण का अपमान करते हुए कहने लगे कि हे कर्ण, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम बिना बुलाए मेरी पुत्री के स्वयंवर में आए हो, तुम्हें किसने बुलाया था जो तुम यहाँ चले आए हो? तुम्हें शायद पता नहीं तुम सूत पुत्र हो,
इस प्रकार जब चित्रवत ने कहा तो अंगराज कर्ण ने कहा कि हे चित्रवत, हाँ मैं सूत पुत्र हूँ, फिर भी मैं तुम सभी को एक साथ युद्ध के लिए ललकारता हूँ। ऐसा कहकर अंगराज कर्ण ने अपने बाणों द्वारा सभी आए हुए राजाओं सहित महाराज चित्रवत को बाणों से अपने अपने सिंहासनों पर ही बांध दिया। सभी राजा और महाराजा नतमस्तक हो गए। सभी ने अंगराज कर्ण की दासता स्वीकार की। तब अंगराज कर्ण ने कहा कि हे महाराज चित्रवत, क्या अब मैं तुम्हारी पुत्री राजकुमारी अंशावरी से विवाह कर सकता हूँ? अगर हाँ तो अपनी पुत्री को आज्ञा दें कि वह अपनी जयमाला मुझे पहनाकर पति रूप में वरण करे। तब राजा चित्रवत ने अपनी पुत्री राजकुमारी अंशावरी को कर्ण के गले में वरमाला पहनाने का आदेश दिया। तो राजकुमारी अंशावरी वरमाला लेकर कर्ण के गले में वरमाला पहनाने लगी। उसी समय अंगराज कर्ण दो कदम पीछे हट जाते हैं और कहने लगे, हे सुंदरी राजकुमारी, मैं तुम जैसी स्वार्थ प्रस्त और मौका परस्त कुमारी से विवाह नहीं करना चाहता। मैं तो उससे विवाह करना चाहता हूँ जिसके हृदय में मेरे प्रति सच्चा प्रेम हो। ऐसा कहकर के अंगराज कर्ण पास में खड़ी पद्मावती के समीप जाते हैं और कहने लगे, हे सूत कुमारी, क्या तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम है? तब पद्मावती ने अपनी स्वीकृति दी तो अंगराज कर्ण ने उसे स्वीकार किया। पद्मावती ने अपने हाथों से अंगराज कर्ण के गले में वरमाला पहनाकर अंगराज कर्ण को पति रूप में वरण किया। इस प्रकार अंगराज कर्ण ने राजकुमारी अंशावरी का मान मर्दन करके उनकी सखी व दासी धूम व सेन की पुत्री पद्मावती से विवाह किया और उसे आनंद के साथ अपने राजभवन लाते हैं। इस प्रकार अंगराज कर्ण ने पद्मावती के साथ विवाह किया और उनके पुत्र का नाम था वृषकेतु। वही एकमात्र राजकुमार था जो महाभारत के युद्ध में जीवित बचा था। इस प्रकार महाभारत के युद्ध के बाद पद्मावती व उसके पुत्र वृषकेतु को पांडव हस्तिनापुर ले आते हैं और उसके सहयोग से भगवान श्री कृष्ण जी की छत्र छाया में अश्वमेघ यज्ञ संपादित करते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।